देखिए ये है चोर, ये प्लांट्स को खाने वाला चोर। अस्सलाम वालेकुम ऑल एंड हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाज़ोस व्लॉग्स। दिस इज़ नाज़िया सैफ विथ यू एंड मैं फिर से आ गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या बना रही हूँ डिनर में। आज मैं बना रही हूँ राजमा। राजमा को ऑलरेडी मैंने भिगो के और गला के रख लिया है। इट्स बॉइल्ड, अच्छा सॉफ्ट हो गया है, ऐसे सॉफ्ट हो गया है, इट्स कम्प्लीटली बॉइल्ड। सो वेन एवर यू कुक राजमा इट्स बेटर टू सोक ओवर नाइट एंड बॉइल इट द अदर डे। पर आज सुबह मैंने सो किया था ब्रेकफास्ट के टाइम और ब्रेकफास्ट से पहले अर्ली मॉर्निंग मतलब अराउंड 7 o'clock वैसे सो किया था और दोपहर के टाइम मैंने बॉइल कर लिया है। सो आई एम मेकिंग राजमा, सो लेट्स एंड ऑल्सो आई एम मेकिंग तरा गोश। सो यहाँ पर मैंने गोश को डिफ्रोस्ट होने के लिए रख दिया है। तो अभी दिखाऊंगी मैं कैसे बना रही हूँ, इसलिए कुकिंग कर लूँगी। मैंने ऑलरेडी प्याज को काट के रख लिया है। सो फर्स्ट विल बी एड इन ऑयल एंड आल्सो ऑल ऑफ द चिली। सो इट्स ऑन द चिली फर्स्ट और फिर मैं डालूंगी तेल, करीब एक बड़े चम्मच के तेल। तेल अभी गर्म हो गया है, सो आई एम एडिंग ऑयल। मैंने 2 onions को चॉप कर लिए हैं। थोड़ा मिक्स करूंगी और फिर onions के साथ ही मैं डालूंगी ग्रीन चिली स्लिट करके। onions के साथ ही पकने दूंगी 1, 2 और 3 ग्रीन चिली। ब्राउन हो रही है, प्याज और ग्रीन चिली पक रहे हैं, साथ ही मैं तला गोश्त का प्रिपरेशन साथ में ही करूंगी। सो फॉर दैट आई हैव टेकन अ कुकर, आई एम एडिंग गुड अमाउंट ऑफ ऑयल। तला गोश्त के लिए तो थोड़ा तेल एक्स्ट्रा ही डालूंगी और फिर तेल गर्म होते ही ये गोश्त मैंने थोड़े बोन्स के साथ है, थोड़ा बोनलेस है, गोश्त डाल दिया, फटाफट से बन जाता है तला गोश्त। आई एडेड ऑयल, देन गोश्त पे जाएगा 2 teaspoon अदरक लहसुन का पेस्ट, जिंजर गार्लिक पेस्ट। एक साथ में सारे मसाले ऐड कर दूंगी। तो अदरक लहसुन डाल दिया है मैंने, उसी पे मैं डालूंगी रेड चिली पाउडर 1, 2 एटलीस्ट 3 teaspoon रेड चिली पाउडर और थोड़ी हल्दी और फिर नमक एज रिक्वायर्ड। नमक अंदाजे से ऐसे ही डाल देती हूँ मैं। नमक डाला, अभी बस मिक्स करके थोड़ी देर पकाऊंगी। ये सारे मसाले एक साथ ऐड कर दिए, ज़्यादा देर नहीं पकाऊंगी मसालों को। अभी पानी डाल के उसके सीटी लगा दूँगी, 1-2 मिनट ही पकने दूँगी, उसके बाद ऐड वाटर। और यहाँ पे प्याज पक चुकी है, नमक ऐड कर देंगे। अभी मैंने ऑलरेडी टोमेटो पीस कर रख लिए हैं, 2 से 3, 2 से 2.5 टोमेटो है, 2.5 टोमेटो आई हैव टेकन। अभी टोमेटो में मैं ऐड करूँगी थोड़ी वेरी लिटिल टर्मरिक, मैंने ऑलरेडी सारे मसाले निकाल के रख लिए हैं। अभी जाएगा थोड़ा जीरा पाउडर 1 teaspoon, 1.5 टीस्पून बिकॉज आई यूज वेरी स्मॉल स्पून्स। देन कोरिएंडर पाउडर 1.5 टीस्पून एंड देन अ बिट ऑफ वेरी लिटिल गरम मसाला, वेरी वेरी लिटिल गरम मसाला एंड लास्ट बिकॉज ऑलरेडी मैंने ग्रीन चिली डाली है तो रेड चिली डालूंगी मैं 1 teaspoon। ओके अभी मिक्स 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 एंड ऑल्सो एड सॉल्ट
because there's already salt in rajma. When I boiled the rajma, I've already added some salt in that. So accordingly, you can add the salt. बस अभी इस इन टोमेटोज को अच्छी से पकने दूंगी. ओके, आई क्लोज द लिड एंड लेट इट कुक. अभी मैंने टोमेटोज को पीछे के स्टोव पे पकने के लिए रख दिया है एंड आई टेकन द तलाकोश का जो पक रहा है गोश्त. ये देखिए तेल भी छूट गया है, जिस 2 मिनट लगे हैं. अभी मैं क्या करूँगी, इसमें डालूँगी पानी, अच्छा खासा पानी डालना पड़ेगा सो दैट गोश अच्छी से गल जाए. गोश इतना पानी इतना डाली हूँ कि जितना गोश को कवर कर रहा है, इतना भी नहीं, अंदाजे से मैंने इतना डाला है. और भी थोड़ा डालूंगी तो कोई बात नहीं, फाइन दिस मच इज इनफ. अभी क्या करूँगी, आई क्लोज द कुकर एंड इट प्लीज गिव 7 to 8 विजल्स. कुकर मूच रही हूँ, देयर इज नो नीड टू लेट द मटन कुक एंड देन ऐड सम वाटर एंड देन कुक कुक कुक, नो नीड. चला गोश्त को तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ. अभी सीटी लगा दी, सीटी लगा के अच्छी से पकने दो जब तक गोश्त गल जाएगा. ओके, ऑन हाई फ्लेम. एक चीज़ जाना तो भूल ही गई मैं, अच्छा हुआ याद आ गया, मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जाना ही भूल गई. इन राजमा 1 1.5 टी स्पून और जिंजर गार्लिक पेस्ट हमारी स्टिल टोमेटोज एंड ऑफ कुक, तो मिक्स करके इतने सारे कच्चे हैं तो जल्दी याद आ गया मुझे. अभी गोश्त तो गल चुका है और ये रहा टोमेटो भी अच्छी से पक चुका है. So now time to add rajma. मैं राजमा का पहले पानी नहीं डालूंगी, मैं क्या करूंगी, I'll just add rajma first, then accordingly I'll add water. ये पानी I will not throw this water, बट पूरा डाल दूंगी तो बहुत पतला हो जाएगा. डिपेंड्स कितनी कंसिस्टेंसी चाहिए, मैं उसके हिसाब से डालूंगी. So I'll add little water. And this water I'll save it. Now let's mix. Yogurt के साथ instead of adding cream मैं full cream दूध add कर रही हूँ. थोड़ा सा दूध जाएगा, close to 1/2 cup. और इसको अच्छी से दूध के साथ पकने दूंगी. अभी देखिए राजमा का रंग कितना अच्छा हो गया है एंड दूध भी अच्छे से पक चुका है. मैं सिर्फ 2 टेबलस्पून योगर्ट डाल रही हूँ. योगर्ट और वही टोमेटो पेस्ट ऐड करना है अभी मुझे. टोमेटो पेस्ट गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट इन राजमा, नॉट टू मच, मे बी 1 टेबलस्पून जितना. This is a packed ready-made tomato paste डाल रही हूँ मैं. और I'm done with all the ingredients now. ये जो राजमा का पानी है ये tomato yogurt के bowl में mix करके डाल रही हूँ so that the rest of the yogurt also goes in. राजमा छोले ये सब जब भी बनाते हैं यू हैव टू कुक इट वेरी नाइसली, देन ओनली द टेस्ट कम्स. यू कैन ऑल्सो ऐड द राजमा मसाला यू गेट, बट आई यूजली डोंट ऐड, आई डोंट नो व्हाई. हाँ जब भी छोले बनाती हूँ तो मैं ऐड करती हूँ, बट राजमा बनाती हूँ तो नहीं ऐड करती. सो इट्स डन, सो आई विल कुक इट नाउ. अच्छी से पकाना है, पहले थोड़ा हाई फ्लेम पे बनाऊँगी और थोड़ा फिर. अब देखते हैं गोश्त जो गल चुका है उसको खोल के देखते हैं. इसको पकने के लिए रख दूंगी एंड आई टेक अ कढ़ाई. तो अभी हाँ मैंने गोश्त का पानी थोड़ा इवेपोरेट होने के लिए पकने के लिए रख दिया है. तो हियर इज द कढ़ाई.
तो अभी कढ़ाई में डालूंगी मैं थोड़ा अच्छा खासा सा तेल, ठीक है, और मैंने हरी मिर्चियाँ ले लिए 5 हरी मिर्ची और थोड़ा करी लीव्स भी। हरी मिर्ची को मैं ऐसे स्लिट कर लूँगी। ये एक्चुअली मैंने एक हैदराबादी रेस्टोरेंट में खाया था, तो खाने के बाद पता चल गया कि इसे बनाया है एंड इट्स वेरी सिंपल आई अंडरस्टूड। इट वाज वेरी टेस्टी एंड इट्स वेरी इजी टू कुक। तो सो इट्स डन नाउ। तेल बहुत गर्म, एक बार जब तेल गर्म हो जाए तो लेट मी जस्ट चेक, मैं अभी गर्म नहीं हुआ है, बट हरी मिर्ची उड़ेगी तो जस्ट बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर adding green chilies and curry leaves, because it will just sprinkle on the face back. इसका lid अभी मैं क्या करूँगी, एक साथ ये देखिए the curry leaves and the green chilies का main रंग change होना चाहिए, then only they are nicely cooked. Keep the flame on low. अब और सारा गोश्त मैं इसे डाल दूंगी, then just mix it. और तब तक कुक करूंगी जब तक ये जो पानी है थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता, तब तक जितने अगर ग्रेवी चाहिए तो ऐसे ही रख लेती हूँ, अदरवाइज थोड़ा 5 मिनट के लिए पकाऊंगी, थोड़ा मसाला गाढ़ा हो जाएगा एंड इट्स डन। ये देखिए राजमा भी बन चुका है, दिस इज द कलर आई वांटेड एंड दिस कंसिस्टेंसी इज नाइस, सो डन। जिस डिनर में रोटी बनानी है और चावल बनाना है, ये तला गोभी बन रहा है। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, आज मैंने मेरी कुकिंग बहुत लेट शुरू की है, तो ऑलमोस्ट हो चुकी है मेरी कुकिंग। सो गाइस दिस इज द DIY कैबिनेट्स डोर्स एंड द बेस। मैं दिखाती हूँ एक्चुअली क्या है। चलिए एक्चुअली ये मेरी बेटी कुकू के लिए मैंने लिया था noom.com से, तो इट्स अ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल कैबिनेट। दिखाती हूँ, सो दिस इज द कैबिनेट आई एम टॉकिंग अबाउट। वी कैन मेक इट इन एनी डिजाइन वी वॉन्ट। ये उन बच्चों के लिए है जो अननेसेसरी थिंग्स बहुत रखते हैं घर पे, लेकिन फेंकने भी नहीं देते, बट दोज थिंग्स ऑक्यूपाई लॉट ऑफ स्पेस, सो इफ वी वांट व्हेनेवर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी कैन मेक द कैबिनेट इन दिस वे, एंड इफ वी डोंट वांट दोज थिंग्स वी कैन थ्रो दोज थिंग्स एंड ऑल्सो वी कैन डिसमेंटल दिस कैबिनेट एंड कीप इट इन द कॉर्नर, एंड व्हेनेवर वी वांट टू मेक इट वी कैन मेक इट इन दिस वे। सो दीज कैबिनेट्स आर कॉल्ड DIY कैबिनेट्स and the fabric looks like plastic, but it's actually better than plastic. It's very strong and actually मैं ये DIY cabinets इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अभी मैं बनाने वाली हूँ, because मेरे पास कुछ cubes बचे हैं and I have lot of stuff in my laundry room which they are occupying a lot of space, so I thought I'll make the cubes and I'll stuff it in those cubes and keep it in my laundry room. Kuku doesn't need more extra cubes, so come on, let's make it, and I'll also show you how to make those cubes. I have already kept here. These are the cubes. The black ones are the base. Black ones are also the side of the cubes, and the doors are the white ones. And on these, we have to fix this. About the cubes,
we can make in whatever design we want. It's very strong actually. It's very strong also. You can keep all sort of soft toys, arts and craft things, decoration things. So, चलिए दिखाती हूँ. मैंने एक अभी बनाया, अभी बना के दिखाती हूँ कि कैसे बनाते हैं. It's very easy to make it. So, the black ones will come in the corners, the back side, in the base, the top. Only the white one is the door. So, and these are the corners which we'll be using here to fix it like this. Okay. So, चलिए बनाते हैं. Mehku, can you give me another three? तो ये कॉर्नर लिया, एक इट्स लाइक प्लस, तो इन वन ऑफ द साइड आई विल फिक्स इट. ओके, और को लिया और वन ऑन द अदर साइड ऑफ प्लस आई एम फिक्सिंग इट. और ये हैमर भी दिया है जस्ट थोड़ा टाइट करने के लिए, तो इसे बिठा दिया. मैं एक और लूंगी और इन दोनों को फिक्स कर लूंगी. आई हैव मेड थ्री वॉल्स. अभी इसका जाएगा बेस. बेस जो है ये जो स्पेस है, ये स्पेस के अंदर स्पेस है, स्पेस के अंदर डालूंगी. एंड अगेन ये बन गया ऐसे. एंड इट्स प्रीटी स्ट्रांग. वैसे ही सेम स्पेस में जाएगा. ऐसे तो ये बन गया. ऑल द वॉल्स एंड द बेस एंड द टॉप. नाउ गोज द डोर. डोर को सिर्फ में ऐसे फिक्स कर दिया. खलास, तो माय टू क्यूब्स आर रेडी नाउ. तो ये रहा मेरा कैबिनेट, रेडी हो गया है. मैंने तीन क्यूब्स बनाए और तीनों को अटैच कर दिया और सो दैट आई कैन कीप इट ऑन अ स्लैब इन माय लॉन्ड्री रूम. सो हियर इट इज एंड इट लुक्स लाइक दिस. तो चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ. अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू नाज़ोस व्लॉग्स. और तब तक के लिए स्टे सेफ. थैंक यू. बाय बाय. सायोनारा.